Hi everyone, first of all good morning to all of you, so welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स एंड पीजेंट मूवमेंट के बारे में. सो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि डिफरेंट अगर बात करें पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर होता है, तो उसमें आज हम टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे. अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा चुआर रिवोल्ट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था. राजा जगन्नाथ के द्वारा, सेवाराम के द्वारा, गोमाधर कणवर के द्वारा या रूप सिंह के द्वारा. तो चुआर रिवोल्ट जो स्टार्ट किया गया था ये किया गया था राजा जगन्नाथ के द्वारा. इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं. तो इसको स्टार्ट किया गया था 1766 और 1772 तक चला. काज इसका क्या था, एक्सेस जो है रेवेन्यू डिमांड थी. उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेस बात करें जहां पे, और इसके साथ साथ बात करें तो बंगाल फैमिन, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल जो है चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, 1922 को, 1923 को, 1924 को या 1925 को. सो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है आपका 1922 को. ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये होता है 4 फरवरी 1922 को. प्रोटेस्टर ने जहां पे क्या किया, एक पुलिस स्टेशन को जलाया जिसमें 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन की जहां पे डेथ हो जाती है. इसी के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ किया गया था चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है कौन से साल में हुई थी, यानी कि काकोरी जो ट्रेन लूटपाट हुई थी ये कौन से साल हुई थी, 1925 को, 1926 को, 1927 को या 1928 को. सो आंसर बनेगा आपका जहां पे 1925. काफी इंपॉर्टेंट है जहां पे, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जहां पे बता दूं. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये प्लेस था काकोरी प्लेस, ये कहां पे, लखनऊ यूपी के अंदर, और ये काकोरी ट्रेन लूटपाट होती है 9 अगस्त 1925 को. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था कौन से साल, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, ठीक है, 1930 को हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसमें बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा. दांडी मार्च हुई थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, ठीक है. उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन. ये काफी इंपॉर्टेंट है, वायसराय के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रमोसी रिवोल्ट जो है कौन से साल में हुआ था, 1820 को, 1821 को, 1822 को या 23 को. सो रमोसी रिवोल्ट होता है आपका 1822 को, ठीक है. अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें लीडर कौन थे, इस रिवोल्ट के लीडर थे चितुर सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह और धतारिया पत्रकार, ठीक है. अगेंस्ट किसके था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था रमोसी रिवोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो रिवोल्ट कौन से साल में हुआ था, 1859 को, 1860 को, 1861 को या 1862 को. तो इंडिगो रिवोल्ट होता है आपका 1859 को, ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लेस था बंगाल के अंदर हुआ था, लीडर थे विष्णु एंड दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास. और ये इंडिगो जो रिवेलियन हुआ ये बंगाल के अंदर होता है 1859 को, 1859-56. ये रिवोल्ट जो था फार्मर्स के द्वारा चलाया गया ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ, उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो जो है ग्रो कीजिए, क्योंकि इंडिगो जो है एक वर्ल्ड वाइड में उसकी काफी ज्यादा डिमांड थी. और इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट होती है बंगाल के अंदर, अगर बात करें तो 1777 को इंडिगो जो है हाई डिमांड थी इसकी वर्ल्ड वाइड में. तभी जो है इसको फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो ग्रो कीजिए, और बिल्कुल कम दामों में उनसे इंडिगो जो है खरीदे जाते थे. और इसमें अगर बात करें तो ये ऑल अबाउट इसमें इंडिगो रिपोर्ट जो है इसमें जो इसका पूरा का पूरा जो है यही है कि 1859 को ये स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जो रिवोल्ट है कौन से लीडर के द्वारा स्टार्ट किया गया, सिद्धू एंड कन्नू के द्वारा, रूप एंड प्रताप के द्वारा, सिद्धू एंड परिसा के द्वारा या कन्नू एंड तिरुथ के द्वारा. सो आंसर बनेगा आपका जहां पे सिद्धू एंड कन्नू के द्वारा स्टार्ट किया गया था संथाल रिवोल्ट. ये आप देख सकते हैं 1855-1866 को हुआ, किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था. मुंडा रिवोल्ट जो है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ठीक है. तो मुंडा एक ट्राइब आपको देखने को मिलेगी झारखंड के अंदर, 1899 चंपारण मूवमेंट जो है कौन से किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, चंपारण, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी या बीजे तिलक. सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था चंपारण मूवमेंट, ठीक है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्लेस था बिहार के अंदर, और ये था आपका 1917.
चंपारण सत्याग्रह जो है पीजेंट्स अपराइजिंग था जिसको लीड किया महात्मा गांधी जी के द्वारा, और कहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बिहार में, और जो फार्मर जो थे इस रीजन के, ठीक है, रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टिवेशन बिटवीन 1914 और 1916। नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 को, 1921 को, 1922 को या 1923 को? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि 1920 को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको लीड किया महात्मा गांधी जी के द्वारा, 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ, उसमें 22 रहे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये 1920 से लेकर 1922 तक चला। इसी के बाद जो है चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया। नेक्स्ट, कौन से साल जो है गांधी अर्बन पैक्ट को साइन किया गया था? 1931, 1932, 1933 या 1934? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन ए, 1931। गांधी अर्बन पैक्ट साइन होता है 1931 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 5th मार्च 1931 को हुआ गांधी अर्बन पैक्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से साल में स्टार्ट हुआ? 1942, 1943, 1944 या 1945? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन ए, 1942। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। 8th अगस्त 1942 को होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, स्टार्ट किया इसको गांधी जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। स्लोगन दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का। ये जो मूवमेंट था इसको अगस्त रेजोल्यूशन या अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरांस जो रिवोल्ट है ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? 1914, 1915, 1916 या 1917? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे 1914, ठीक है। तो लीडर थे इसके जात्रा भगत एंड अदर भगत, ठीक है। कास्ट क्या था? रिलीजियस रीजंस, ठीक है। तो ये ऑरेंज रिवोल्ट आपको डेट याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़ा मूवमेंट जो है कौन से साल में स्टार्ट होता है? 1917, 1918, 1919 या 1920? सो केड़ा मूवमेंट होता है आपका 1918 को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये प्लेस था गुजरात के अंदर स्टार्ट किया गया। लीडर थे इसकी गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 को। इसके साथ साथ ये जो मूवमेंट था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 1918 को स्टार्ट हुआ गुजरात के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज किया महात्मा गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज, और ये एक मेजर रिवोल्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोफला जो मूवमेंट है ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ? 1920 को, 1921 को, 1922 को या 1923 को? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे 1921 को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये केरला के अंदर होता है। लीडर थे इसके सैयद अली और सईद फजल, ठीक है। और मोफला जो रेबेलियन है इसको मोफला रिवॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। 1921 को स्टार्ट होता है। बाद कल्मिनेशन ऑफ ए सीरीज राइट्स बाय मोपिला मुस्लिम साहब केरला 19th और 20th सेंचुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड इन मालाबार नदन केरला में, ठीक है। और ये एक आर्म्ड रिवोल्ट था, इसको लीड किया गया था, और ये एक आर्म्ड रिवोल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल रिवोल्ट जो है किस पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? बुद्धू भगत के द्वारा, रत्ना नायक के द्वारा, धारणी नायक के द्वारा या कणबर के द्वारा? सो कोल्ड रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1831 और 32 को स्टार्ट किया गया था। मेन कारण क्या था? लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बरदोली सत्याग्रह जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बीजे तिलक, गांधी जी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो बरदोली सत्याग्रह होता है वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें देख सकते हैं ये गुजरात के अंदर स्टार्ट किया गया था। अगर आपको ईयर पूछा जाता तो 1928 को जो स्टार्ट किया गया था बरदोली सत्याग्रह, 1928 को स्टार्ट हुआ। ये मूवमेंट जो था एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल था जिसको लीड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फादर फार्मर साहब बरदोली अगेंस्ट किसके अगेंस्ट था? अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस की अगेंस्ट जो है सत्याग्रह, जो बरदोली सत्याग्रह उसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड? स्वदेशी मूवमेंट जो है कौन से साल स्टार्ट हुआ? 1902, 1903, 1904 या 1905? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन डी, 1905 को स्टार्ट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो उस समय वाइस रहे थे लॉर्ड कर्जन। टोन हॉल कोलकाता 7th अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया। पर्पस था बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ठीक है। इसी साल जो है 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल जो है होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है? 1913, 1914, 1915, 1916? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन डी, 1916 को होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इसको स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक। सेकंडली यहाँ पे बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को रेनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पर्पस था इसका नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोलार्ट एक्ट जो है कौन से साल स्टार्ट किया गया था, 1919 को, 1920, 1921 या 1922? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए, ठीक है। 1919 को स्टार्ट किया गया था रोलार्ट एक्ट। रोलार्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो स्टार्ट हुआ था मार्च 1919, ब्लैक लॉ ब्रिटिशर्स उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा लॉ था जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन होता है, इसके ऊपर शक होता है, तो ब्रिटिशर्स उसको विदाउट एनी ट्रायल उसको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला बाग मास्कर जो है कौन से साल हुआ है, तो ये आप सभी जाते हैं 1919 को, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका 1919 है, इसमें 13 अप्रैल 1919 को ये अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जो लोग अमृतसर के अंदर इकट्ठे हुए थे, जो दो पर्सन थे उनको अरेस्ट किया गया था इसके अगेंस्ट, और अमृतसर पंजाब के अंदर होता है, अगेंस्ट था रोलार्ट एक्ट, रोलार्ट एक्ट के खिलाफ, और साथ साथ में उन दोनों को, दो पर्सन को सैफुद्दीन किचलू को और एक पर्सन और था उनको पकड़ा गया था। आफ्टर दिस महात्मा गांधी रिटर्न द टाइटल, इसके हत्याकांड के बाद जो है महात्मा गांधी जी को जो टाइटल दिया गया था केसरी हिंदू, महात्मा गांधी इस मूवमेंट के बाद उसको वापस लौटा देते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, ठीक है, नाइटहुड का टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिस टाइटल को भी लौटा दिया जाता है जब जलियांवाला बाग मास्कर होता है 13 अप्रैल 1919 को, इसमें जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट कौन से साल हुआ, 1951 को होता है बुडान मूवमेंट, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, एम क्या था, वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स रिवोल्ट कौन से साल हुआ है, 1912, 1913, 1914 या 1915? सो बिल्स रिवोल्ट होता है आपका ऑप्शन बी 1913 को, ठीक है। और इसमें जो लीडर थे वो थे गोविंद गुरु, उसके साथ इसका काज क्या था, टेम्परेंस एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। नागा रिवोल्ट कौन से साल हुआ था, 1932, 1933, 1934 या 1935? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए 1932 को होता है नागा रिवोल्ट, ठीक है। इसके लीडर थे जदुना एंड रानी गेनलू, ठीक है। कास्ट था रिफॉर्मिस्ट, मूवमेंट लेटर डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा ट्राइबल और पीजेंट्स मूवमेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने इन क्वेश्चन को कवर किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।